मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला कलेक्टोरेट में जागृत आदिवासी दलित संगठन मध्य प्रदेश व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की प्रदेश इकाई ने किसानों की वाजिब समस्याएं याद दिलाई कि पूर्व की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों और मंदसौर में किसानों पर गोली चलाने के बाद प्रदेश भर के किसानों ने भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी सरकार सत्ता में आई है, इसलिए हम किसानों की समस्याओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रदेश में अधिक वर्षा होने से किसानों की दलहन और तिलहन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है, मगर सर्वे का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि तुरंत सर्वे कराया जाए। वादे अनुसार कर्ज माफी नहीं किया गया है। पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते रोक दिया गया था, अब उसमें अनेक किंतु परंतु लगाकर बहुतायत किसानों को इसके दायरे से बाहर धकेल दिया गया है। लिहाजा घोषणा अनुसार सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज हम मध्य प्रदेश में 212 संगठन का एक समन्वय समिति बनाया गया। आज हम पूरे मध्य प्रदेश हर जिले में हम ज्ञापन दिया जा रहा था। हम जागृत आदिवासी दलित संगठन और अन्य साथी हम बड़वानी कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने आए। तो इसमें ये मांग है हमारी कि किसानों का कर्जा माफ़ करें और किसानों की जो फसल नुकसान है उसका तत्काल सर्वे करके उनका तत्काल मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि 2005 का जो कानून बना उस कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। जो वन अधिनियम का जो पट्टे की सरकार वादा करती जा रही, आज भी लोगों का पट्टा नहीं बनाया जा रहा। जो भीमा नायक के नाम से कॉलेज खोले जा रही, हमारा भीमा नायक के वंशज आज बड़वानी जिले में बैठे हैं, इनका 3 पीढ़ी को रेकार्ड मांगा जा रहा। और केंद्र सरकार बोलती है कि जंगल में आदिवासी रहने से जंगल का खतरा है, वन्य प्राणी का खतरा है। पिछले कई महीनों में सुप्रीम कोर्ट में 4 बार सुनवाई ही, लेकिन केंद्र सरकार पब्लिक वकील खड़ा नहीं किया। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के कारण 26 नवंबर को सुनवाई रखा जा रहा, क्योंकि ये चुनाव जब तक हो जाएगा। हमारा ये मांग है कि जो आदिवासी है वहाँ जंगल है, जहाँ शहर है वहाँ जंगल नहीं है। जो भीमा नायक का वंशज है, पूर्व में अंग्रेजों के शासन में जब से आदिवासी के साथ साथ भीमा नायक के वंशज रह रहे, उनका पट्टा 3 पीढ़ी के सबूत क्यों मांगा जा रहा? जबकि बड़वानी जिले में भीमा नायक का मूर्ति बनाया जा रहा, भीमा नायक के माध्यम से कॉलेज खोला जा रहा, और गाँव में भीमा नायक के परिवारों को 3 पीढ़ी का सबूत मांगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।